हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल जी कुमार किचन में। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड मसाला। इसे आप नाश्ते में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने लिया है 4 से 5 ब्रेड स्लाइसेस, और इसे हमने इस तरह से क्यूब में काट लिया है। और हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, 1 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए, कुछ हरी मिर्च ले लेंगे, और हम कुछ ले लेंगे धनिया का पत्ता कटे हुए, और 1.5 चम्मच हम ले लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ हम कसूरी मेथी ले लेंगे लगभग 1 चम्मच, और कुछ सूखे मसाले हमें चाहिए जैसे लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, जीरा का पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी का पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और 1 चम्मच गरम मसाला ले लेंगे। तो बस अब कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, और इसे हो जाने दिए हम गरम। गरम जैसे ही हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और इन्हें इसमें कच्चापन जब तक ना जाए तब तक इन्हें हम भून लेंगे थोड़ी देर से। 20 से 30 सेकेंड तक लगेगा हमें भूनने के लिए। तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे इसे 20 से 30 सेकेंड तक। 20 से 30 सेकेंड के भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज। तो प्याज डालने के बाद इसे भी हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। तो चलिए फटाफट इसे पहले हल्का ब्राउन होने तक हम भून लेते हैं। इसका कलर हल्का चेंज हो जाएगा, तब तक इसे हम भूनते रहेंगे। देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, और ये हल्का ब्राउन हो गया है। तो बस अब इसमें डालेंगे ये मसाले। तो मसाले डाल के भी मसालों को हमें अच्छी तरह से भूनना है। मसालों में हमने जो लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है वो काश्मीरी लाल मिर्च है, वो ज्यादा तीखा नहीं होता है, और बच्चे भी इसे आसानी से खा सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद नहीं तो हरी मिर्च थोड़ा सा कम कर दें। तो ये देखिए मसाला जो है हमारा भून चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च डाल देंगे, और इन्हें भी हम हल्का सा भून लेंगे 20 से 30 सेकेंड तक। इन्हें भी हमको ऐसे भूनना है। इसी बीच हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, याद रहे कि ब्रेड में भी नमक होता है, तो हम उसके अनुसार ही नमक डालेंगे। और इसे बस हमें भूनना है जब तक कि टमाटर एकदम से सॉफ्ट ना हो जाए, एकदम से गल जाए, तब तक इसे हम भूनेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा ढक देना है 2 से 2.5 मिनट तक। इसे धीमी आंच पर हम ढक के पकाएंगे, और अगर मसाला सकने लगे कढ़ाई में तो हल्का हल्का पानी भी दे सकते हैं हम। तो चलिए इसे ढक देते हैं, और 2 से 2.5 मिनट के बाद हम देखेंगे ये हमारा टमाटर जो है एकदम से गल चुका है, ये आप देख सकते हैं। और उसके मसाले का भी जो तेल है वो ऊपर छोड़ने लगा है तेल मसालों में से, इसका मतलब कि मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, और टमाटर भी एकदम से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये कसूरी मेथी, और धनिया का पत्ता डाल देंगे कुछ, और इसे भी हमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। थोड़ी देर से भी इनके साथ ही हम चला के ऐसे मिक्स कर देंगे। तो थोड़ी देर से मिक्स करने के बाद इसमें हमें फाइनली डालना है ब्रेड, जिसे हमने क्यूब में काट लिया था वो डाल देंगे। आप अपने अनुसार से छोटा या बड़ा क्यूब कर सकते हो। तो चलिए इसे डाल के हमें अच्छी तरह मसालों में इन्हें मिलाना है ऐसे, ताकि पूरे ब्रेड में जो है वो मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए और ब्रेड हल्का क्रिस्प हो जाए। तब तक इसे चलाते रहेंगे हल्के हल्के। तो ये देखिए जो मसाला है पूरे ब्रेड में इस तरह से कोट हो चुका है, और ये हमारा हल्का हल्का साइड से एकदम क्रिस्पी हो चुका है। तो बस अब गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में सर्व करने के लिए। तो ये देखिए इसका कलर कितना मस्त आया, और ये खाने में सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। तो बस हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे ये नींबू के कुछ बूंदे, नींबू का रस डाल देंगे कुछ, और उस पर से थोड़ा सा धनिया का पत्ता से ऐसे सजा देंगे। तो लीजिए तैयार है आपका ब्रेड मसाला।
बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसे आप नाश्ते में जरूर ट्राई करो और हमें कमेंट बॉक्स में लिखे बताने आपको कैसी लगी। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।